I'm on my way to get my vaccination, and this is the place where I gotta go. यहाँ जब भी कहीं एक से दूसरी जगह जाना होता है तो टेस्ट कराना पड़ता है, और अभी अभी मेरा टेस्ट हुआ है और ये अभी तक का सबसे बेकार टेस्ट था। नाक के अंदर इतना घुसा दिया उन्होंने कि आंखों से अभी तक आंसू आ रहे हैं मेरे। डिपेंड करता है, मतलब अभी तक 20 टेस्ट करवा चुका हूँ मैं, और जो टेस्ट करने वाला बंदा होता है उस पर डिपेंड करता है वो कितना नाक के अंदर घुसा के रखता है और घुसाए रखता है वहां पे। स्वागत है दोस्तों हैमबर्ग में। बहुत बिजी हूँ मैं यहाँ पर, 3 दिन 3 अलग अलग शूटिंग करनी है, काफी काम कर रहा है। वैसे शूटिंग तो वैसे कह रहा हूँ जैसे कि मैं कोई बड़ा एक्टर बन गया हूँ। एक्टर वाली शूटिंग नहीं करनी, अपने वीडियोस की शूटिंग करनी है, लेकिन वही जबरदस्त सीरीज जिसकी महीनों से शूटिंग चल रही है उसकी शूटिंग चलेगी। तो पता नहीं व्लॉग करने का कितना टाइम मिलेगा, लेकिन जितना भी मिलेगा मैं आपको हैमबर्ग दिखाऊंगा और पूरी जर्नी के थ्रू लेकर जाऊंगा। फिर से ये स्कूटर रेंट किया है, चलो घूमते हैं थोड़ा। काफी कैनाल्स भी हैं सिटी में तो एम्स्टरडम और वेनिस की याद दिलाते हैं। ये रेड कलर की ब्रिक से बनी बिल्डिंग यहाँ का डिफाइनिंग आर्किटेक्चर है, हर जगह देखने को मिलता है। कल का हमारा प्लान है कि इनमें से किसी एक बोट के ऊपर तक चढ़ेंगे, जो खंबा देख रहे हैं ना उस खंबे के टॉप तक जाएंगे। ये यहाँ का राट हाउस है, मेन टाउन हॉल, और मैं अभी अपने लिए खाने लेकर आया हूँ। खाने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ कहाँ बैठ के खाया जाए, क्योंकि जब से रेस्टोरेंट बंद हुए रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के तो खा नहीं सकते, तो बाहर ही जगह ढूंढनी पड़ती है। कई बार ऐसा लगता है कि होमलेस इंसान की तरह बाहर बैठ के कहीं जगह कोने में खाना खा रहे हो। अब ये सारे बेंचेस तो फुल पड़े हैं तो यहाँ तो बैठ नहीं सकते, लेकिन इस आदमी की तरह खड़े होकर जरूर खाया जा सकता है। ये जगह खाली है एक्चुअली, वहां नीचे और भी अच्छा रहेगा, लेकिन ये चिड़िया ना चुरा ले खाना। ये भाई वेनिस वाली चिड़िया है। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुने ला लगता है रे। So, I'm on my way to get my vaccination. Ye dekho, bahut cool hai. You buy one bar, we plant one tree. I got this chocolate bar and yeah, apparently they plant a tree. Awesome. I'm gonna save the rest for later though. Can't eat everything at once. आज हम आए हैं हैमबर्ग के पोर्ट में, हार्बर में। यहाँ पर प्रोफेशनल डाइविंग करने जा रहे हैं, करीब 1 घंटा दूर है बोट से, फिर से उसी स्पेशल सीरीज की फिल्मिंग करने के लिए। हैमबर्ग की सबसे बड़ी दिक्कत यह है, यहाँ हवा इतनी तेज चलती है कि कुछ भी कैमरे में ढंग से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता बिना ये विंड की नॉइस के। यहाँ पर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पीछे जो ब्रिज है बहुत ही बड़ा ब्रिज है, वो काफी ऊंची शिप्स आ सके यहाँ पर आराम से, 10-12 मंजिला ऊंचा होगा ये। बड़े ही जबरदस्त जहाज है यहाँ पर, साइज देखो इनका। हैमबर्ग बड़ा फेमस हार्बर है तो पोर्ट से ये कंटेनर शिप्स अक्सर आते जाते रहते हैं यहाँ पर। ठंड काफी ज्यादा हो रही है लेकिन यहाँ पे एक शॉट तो लेना है। कैमरा रेडी है, कैमरा मैन आने वाला होगा। Ooh, in the distance you can see mountains. Lovely apple tree fields. I think it's apple. Okay.
ये वाली डाइविंग कोई इतनी कूल नहीं है दिखने में, क्योंकि कोई बड़े अच्छे से ब्लू समुंदर में डाइविंग नहीं होती, बल्कि ऑलमोस्ट एक गंदे नाले में जाकर डाइविंग हो रही है। छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। हमारी बोट एक्चुअली में दो गेट्स के बीच में फंस गई है। वहाँ एक गेट है, वहाँ ऊपर रेड लाइट हो रखी है, और ये पीछे एक गेट। इसके पीछे रीजन ये है कि वाटर लेवल सेम नहीं है दोनों साइड पे गेट, तो इन्हें पानी का लेवल नीचे करना पड़ेगा ताकि लेवल सेम हो पाए, फिर बोट जा पाएगी, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी एकदम से उस दूसरे एरिया में। ये दीवार पे देख सकते हो कि करीब 6 फीट से पानी का लेवल नीचे हुआ है यहाँ पे। इसके बाद टग बोट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनका काम है पूरे जहाज को खींच के वापस लाइन पर लाना। As you can tell, it's the next day and I'm on my way to get my vaccination and this is the place where I gotta go. Of course, like a typical German, I'm here 10 minutes early. Gesicht ist auch gar nicht drauf. Ja, ja, alles gut. So, in case you were wondering, I got the Pfizer vaccine. And I got it because I'm a medical student. Okay. Luckily, unlike Drove, I don't have a problem with needles. Super. And there we go. Right afterwards, I had to wait about 15 minutes before leaving. Case of allergic reactions, which is something I never had with any other vaccination before, so that's interesting. I'm done now, I feel fine, my arm hurts a little bit, but that's it. So I ordered a stew and I'm a bit disappointed by the size of everything. It's tiny. It came with the bread, but this is tiny. Okay, are you ready? Yeah, okay. इस चीज को कहते हैं हेलीकॉप्टर एग्जिट। तो यहाँ पर फिर से ऑडियो खराब हो गया क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी। But I think I'm just showing off how cool is it to be on that top of the boat. Were you scared at all? Look at my face. Do I look scared? Maybe you're hiding it very well, but the view is quite nice, I have to say. Yeah, even though I'm standing on this small triangle piece of wood, it's not scary. We have done enough stuff now, and there's just a smile of satisfaction on my face. It's like it was always my dream to be a Spider-Man. यहाँ एक पार्क के बीचों बीच बहुत ही बड़ा स्टैचू है ऑटो फॉन बिस्मार्क का, याद है ना हिस्ट्री की किताबों में, जिसने यूनिफिकेशन करी थी जर्मनी की। Okay, almost back home. I hope you cooked something nice. Hello. Just in time. The dinner is ready. Did you cook for me? Yeah, look. Oh, yes. We have some capsicum with zucchinis and avocados, and then Zwiebel relish. Oh, looks so good. And the salad, you wanted something fresh. Yes, thank you. That's so nice, thank you.